Tonight we will discuss about very important topic about the statutory payment made by mining leaseholder under the MMDR Act 1957, the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957. This is the MMDR 1957. Okay. As a mining engineer, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या स्टेट्यूटरी पेमेंट हमको गवर्नमेंट को करना होता है. सिर्फ कोल माइन से या लिग्नाइट माइन से कोयला निकाल लिया, लिग्नाइट निकाल लिया, ओर निकाल लिया, या नॉन मेटल माइन से उसे नॉन मेजर मेजर मिनरल से उसको निकाल लिया, यही सब माइनिंग नहीं है. आपको स्टेट्यूटरी पेमेंट के बारे में भी इस एक्ट के तहत क्या कहा गया है वो जानकारी चाहिए. What are the statutory payments have to be made by the mining lease holder? We will discuss section 9, 9A, 9B, 9C. 9A about the royalties. 9A debt rate to be paid by the mining leasee. 9B about the DMF, District Mineral Foundation. 9C, section 9C, NMET, National Mineral Exploration Trust. कई बार DMF को DMF की भी बोलते हैं क्योंकि ये ट्रस्ट ही होता है. ठीक है. डेड रेंट के बारे में बहुत कम अवेयरनेस है और इसी में कई बार माइनिंग में हो जाते हैं केस, क्योंकि डेड रेंट के बारे में लोग को जागरूकता बहुत कम है. डेड रेंट क्या होता है वो देखेंगे हम 9A में. सबसे पहले हम देखेंगे रॉयल्टी क्या होता है और किस रेट से इसको पे करना होता है और ये कहाँ रेट दिया हुआ है, ये सब इस बुक में बताया हुआ है. ये कानून का बुक है ना. रॉयल्टी का जो सेक्शन 9 है उसके लिए जो भी आपका लीज आपने ले रखा है, मतलब जो माइनिंग लीज होल्डर है वो रॉयल्टी पे करेंगे किस रेट से, एट द रेट स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट. इस एक्ट के सेकंड शेड्यूल में जो रेट फिक्स्ड है उस हिसाब से आपको रॉयल्टी देना है. अब हम कुछ एग्जांपल बता दे रहे हैं. 55 मिनरल के लिए, 55 मिनरल्स के लिए इसमें रेट दिए हुए हैं. अलग अलग रहता है हर मिनरल के लिए. हम कोल से रिलेटेड हूं मैं, इसलिए मैं कोल का लिग्नाइट का पहले बताता हूं. कोल के लिए होता है 14% ऑफ द सेल वैल्यू और बेसिक प्राइस, या उसको हम बोलेंगे एक्चुअल प्राइस. ठीक है, जो इनवाइस में रेट आ रहा है उस रेट का 14% 14% रॉयल्टी हमको गवर्नमेंट को देना होता है कोयला के लिए. ठीक, डायमंड के लिए 11.5%, क्ले के लिए 22 रुपीस पर टन, ऐसा सब का रॉयल्टी सेकंड शेड्यूल में दिया है. कोयला के लिए कितना बताया बेटा, 14% ऑफ एक्चुअल प्राइस, या जिसको बेसिक प्राइस बोलते हैं, सेल प्राइस बोलते हैं. ठीक है, ये रॉयल्टी हो गया. अब एक चीज आता है डेड रेंट. क्या आता है डेड रेंट? मैं माइनिंग लीज होल्डर हूं, मैंने लीज लेके तो रख लिया, या तो मैंने काम ही नहीं चालू किया, माइनिंग ऑपरेशन ही नहीं कर रहा, माइनिंग ऑपरेशन करूंगा तो मुझे गवर्नमेंट को रॉयल्टी देना है, डीएमएफ देना है, एनएमईटी देना है, जो स्टेचुरी पेमेंट करना है. लेकिन मैं तो काम ही नहीं कर रहा हूं, या काम करते करते हमने डिसकंटिन्यू कर दिया, रोक दिया तो क्या होगा, गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा? तो वो आपसे काहे छोड़ेगा, वो आपसे पेनाल्टी लेगा कि आप काम कीजिए या मत कीजिए, आपने क्या किया है.
लीज लेके रखा है, हमको उसके बदले भैया आपको पैसा देना ही देना होगा, भले चाहे रॉयल्टी डीएम एफ एनिमिटी मत दीजिए। और एक अलग से भी अगर फॉरेस्ट को भी देना होता, फॉरेस्ट प्रोजेक्ट भी, उसका अलग में चर्चा करेंगे। तो डेड रेंट कब दिया जाता है, यदि आपका लीज लिया और माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ, या माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट हो गया लेकिन कोई कारण से माइंस टेम्पररी बंद हो गया है, तो उस केस में आपको डेड रेंट देना है। ठीक है, किसको देना है, हर साल देना है स्टेट गवर्नमेंट को। क्या रेट है उसका फिक्स्ड है, डेड रेंट देने का रेट फिक्स्ड किया है भारत सरकार ने इस एक्ट के MMDR एक्ट 1957 के थर्ड शेड्यूल में। क्या बोलता है, फ्रॉम सेकंड ईयर ऑफ द लीज, माने मैंने जब लीज लिया उससे दो साल के बाद से यदि कोई काम नहीं किया है तो फिर ₹400 पर हेक्टर पर एनम के हिसाब से मुझे गवर्नमेंट को डेड रेंट देना होगा कि भाई बंद है, डेट खत्म है, कुछ नहीं है, तो भी आपको पैसा देना ही देना होगा। थर्ड एंड फोर्थ ईयर फ्रॉम लीज, जब लीज लिया उससे तीसरे चौथे साल में कितना देना होगा, ₹1000 पर हेक्टर पर एनम। फिफ्थ ईयर्स अनवर्ड, पांच साल और उसके बाद के जितना भी होगा, यदि आपने ऑपरेशन चालू नहीं किया या ऑपरेशन को बंद करके रख दिया है माइनिंग ऑपरेशन को, तो ₹2000 पर हेक्टर पर एनम के हिसाब से आपको डेड रेंट देना होगा। तो माइनिंग इंजीनियर की हैसियत से इस बात को ख्याल रखना चाहिए कि लीज लिया है तो आपको और आपने ऑपरेशन चालू नहीं किया है तो डेड रेंट देना होगा, या कोई मेरा माइंस था कोई कारण से बंद हो गया टेम्पररी तो हम बाकी स्टेचुअरी पेमेंट नहीं कर रहे, तो डेड रेंट केस में पेड करना है, इस बात का भान रहना चाहिए। ये डेड रेंट वाला था सेक्शन 9A। अब उसके बाद आते सेक्शन 9B। सेक्शन 9B में क्या बोलता है, डीएमएफ मतलब डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, एक प्रकार से ट्रस्ट है, इसलिए कोई कोई भाई लोग इसको डीएमएफटी बोलता है। जो डिस्ट्रिक्ट में माइनिंग ऑपरेशन हो रहा है उस डिस्ट्रिक्ट में, सब डिस्ट्रिक्ट में डीएमएफ नहीं रहेगा, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में माइनिंग ऑपरेशन होता है उन डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट जो है एक ट्रस्ट एस्टेब्लिश करेगा जिसको बोलते हैं डीएमएफ, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, या डीएमएफटी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों डीएमएफ बनाया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट क्यों एस्टेब्लिश करता है डीएमएफ, डीएमएफ इसलिए बनाता है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन इसलिए बनाता है ताकि उस माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशन के कारण जो उससे अफेक्टेड पर्सन है, वो अफेक्टेड एरिया है, उसके भलाई के लिए काम किया जा सके और उस तरीके से किया जा सके जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निर्देशित किया गया है, प्रिस्क्राइब किया है, बताया गया है। मतलब क्या हुआ, टू वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ पर्सन एंड एरियाज अफेक्टेड बाय माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशन इन सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन किस रेट से किया जाएगा डीएमएफ जो है, किस रेट से, मैं माइनिंग लीज होल्डर हूं या मैं किसी माइनिंग लीज होल्डर का मैनेजर हूं या एजेंट हूं, तो मैं किस रेट से पे करूंगा, इसका भी एक बात है। तो इसका एक नियम है कि डीएमएफ जो रहेगा वो नॉट एक्सेडिंग 1/3 ऑफ रॉयल्टी, जितना भी रॉयल्टी आपका बना, रॉयल्टी कितना रहता है 14% ऑफ सेल वैल्यू ऑफ द मिनरल, कोल के केस में बता रहा हूं, कोल का, बाकी का अलग अलग बताया ना, डायमंड का 11.5% है, क्ले का ₹22 पर टन है, कोल या लिग्नाइट के लिए
14% अब सेल वैल्यू रहता है। तो मान लो मेरा 3000 था सेल वैल्यू एक टन का, तो 3000 का एक एग्जाम्पल बोल रहा हूं, इसको कहीं एक्चुअल मत बना, 3000 था उसका 14% जितना आएगा उसका 1/3 से ज्यादा नहीं होगा, मतलब 1/3 मतलब 33.33% इन जनरल डीएमएफ जो है इससे ज्यादा नहीं होती, मतलब इससे कम में सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स कर सकता है। तो इन जनरल डीएमएफ जो है 30% ऑफ रॉयल्टी पे किया जाता है, ठीक हो गया, डीएमएफ भी हो गया। अब क्या बचा है, नेशनल 9C सेक्शन 9C नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, जिसको शॉर्ट में NMET बोलते हैं, NMET नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, नामे बता रहा भैया एक्सप्लोरेशन के लिए होगा, मिनरल का एक्सप्लोरेशन कीजिएगा या करना है और भी हमको तो खर्चा लगेगा ना, एक्सपेंडिचर आएगा, वो कहां से आएगा, आप ही के जेब से निकालेंगे। तो मैं जहां पे माइनिंग कर रहा हूं तो यहां कभी ना कभी एक्सप्लोरेशन होगा, जब ना मुझे सरकार को पता हुआ कि यहां फलाना मिनरल है, कोल है, फलाना ओवर है या कोई दूसरा मिनरल है, ठीक है, तो एक्सप्लोरेशन में खर्चा आएगा, वो पैसा किससे लेंगे, वो जो माइनिंग लीज होल्डर है उसी से लेंगे। तो क्या इसके लिए एक नियम है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ट्रस्ट बना दिया जिसका नाम है NMET, और पर्पस क्या है इसका या ऑब्जेक्ट क्या है, फॉर रीजनल एंड डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन के लिए है। ये जो फंड मिलेगा इस फंड का क्या इस्तेमाल करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, काहे के लिए करेगा, सिंपल सी भाषा में एक्सप्लोरेशन के पर्पस से करेगा, और वो भी कैसे करेगा, ये तो ट्रस्ट है, कैसे करेगा ट्रस्ट, एज में भी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है, नियम कानून बना दिए हैं, उस हिसाब से वो उस पैसे का उस फंड का सदुपयोग करेंगे। कितना रहेगा, लेकिन कितना पे करना होगा मुझे कितना पे करना है, हम माइनिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, मैं या तो माइनिंग लीज होल्डर हूं या माइनिंग लीज होल्डर का एजेंट हूं, मैनेजर हूं या कोई सब कॉन्ट्रैक्टर या सब लीजी हूं, तो मुझे कितना पे करना है, इसका क्राइटेरिया दिया है इस MMDR एक्ट 1957 में 2% ऑफ रॉयल्टी, कितना दिया है 2% ऑफ रॉयल्टी, जितना भी आपका रॉयल्टी का अमाउंट है उसका 2% NMET के फंड में जाएगा। और एक और होता है फॉरेस्ट ट्रांजिट फी, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जाता है, उसके ऊपर हम कभी चर्चा करेंगे, वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट होता है। जब हम झारखंड में थे तो वहां पर हम कोल के केस में 57 रुपया पर टन फॉरेस्ट ट्रांजिट फी पे करते थे, वो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग जो क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से हर मिनरल के लिए अलग अलग रहता है, उसके हिसाब से एक फॉरेस्ट ट्रांजिट फी भी पेड करा। तो स्टेचुटरी पेमेंट में क्या क्या बताया है, रॉयल्टी, डेड रेंट तो जब नहीं चल रहा है तब, उसके बाद डीएमएफ और NMET। तो ये कहां से बताए, द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 के सेक्शन 9A, 9B, 9C के तहत बताए। उम्मीद करते हैं कि ये स्टेचुटरी पेमेंट के बारे में जो कुछ हम बताएं सिंपल से सिंपल तरीके से बताने का प्रयास किया, तो स्टूडेंट के लिए बहुत काम आएगा, कम से कम स्टूडेंट के लिए, जो माइनिंग के बड़े बड़े जानकार है उनके लिए नहीं है कदापि, वो तो बहुत कुछ जानते हैं, ये सिर्फ माइनिंग की जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे लोग उनके लिए बहुत काम है, और जो प्रैक्टिसिंग माइनिंग इंजीनियर है छोटे लेवल में उनके लिए भी काम का चीज है।